नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपोलो मिशन के बारे में। अपोलो मिशन वे अंतरिक्ष मिशन थे जिन्हें 1961 से 1972 तक नासा, राष्ट्रीय विमानन और अंतरिक्ष प्रशासन ने आयोजित किया था। इसका मुख्य लक्ष्य मानवों को चंद्रमा पर भेजना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटाना था। पहला अपोलो मिशन, जो अपोलो 1 के नाम से जाना जाता है, 1967 में हुआ था। यह मानवों की पहली मिशन थी जो चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने इसे बाधित कर दिया और अंत में इसमें उपग्रहणों वजल, गस, ग्रिसम, एडवर्ड एच, वाइट 2 और रॉजर बी चैफी की मौत हो गई। दूसरा अपोलो मिशन था अपोलो 8, जो 1968 में हुआ। इसमें चंद्रमा को घेरने का प्रयास किया गया। इस मिशन के कैप्टन फ्रैंक बॉमन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडस थे। यह उन मानवों की पहली मिशन थी जो पृथ्वी के परिक्रमा से बाहर निकले, चंद्रमा तक यात्रा की और अंतरिक्ष से पृथ्वी की दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। तीसरा और सबसे मशहूर अपोलो मिशन था अपोलो 11। यह 1969 में हुआ था, 20 जुलाई को, यहाँ तक कि आज से बीते हुए 54 साल पहले। अंतरिक्ष यात्रा की अवधि में चंद्रमा पर पहली बार मानव पैर रखा गया। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग, बजॉन आल्ड्रिन और माइकल कोलिंस थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखकर ऐतिहासिक उक्ति कही, यह एक छोटा कदम मनुष्य के लिए, लेकिन एक महाशक्ति के लिए, एक महासर्वशक्तिमान के लिए है। इन सभी मिशनों ने वैज्ञानिक और तकनीकी रिसर्च में विश्वासघात करते हुए इतिहास रचा। इनमें से कुछ अपोलो मिशनों के बाद भी हुए, लेकिन मानवों ने चंद्रमा पर लंगर नहीं रखा। यही कारण है कि अपोलो मिशन अंतरिक्ष यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे।